आपका डीएनए का एक पीस, मेरा डीएनए का एक पीस, पीस यानी फ्रैगमेंट, और इन दोनों डीएनए के पीस के बीच में सेम क्या है और डिफरेंस क्या है ये पता करना। अब टू इंडिविजुअल मतलब आप और मैं, वी आर टू इंडिविजुअल्स। कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है? अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो, डेफिनेशन समझने में डाउट्स है तो पूछे जल्दी से। क्लियर है? तो आपके डीएनए का एक पीस लेना है, मेरे डीएनए का एक पीस लेना है, हम दो इंडिविजुअल हो गए, और हमारे, मेरे और आपके डीएनए के बीच में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है यही पता करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। क्लियर? नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज वी आर यूजिंग डीएनए का फ्रैगमेंट पीस, ठीक है? अब इसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है, तो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग, सम मोर बेसिक्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड बाय, दिस टेक्निक इज डेवलप्ड बाय अलेक जेफरीज। स्पेलिंग क्या था? In 1984, अलेक जेफरी ने इसको डेवलप किया है, और इंडिया में, इन इंडिया, डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर कश्यप इन्होंने स्टार्ट किया। इन इंडिया इट इज स्टार्टेड बाय, इट इज स्टार्टेड बाय डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर कश्यप। वन मोर, दीज टू आर नीट लेवल क्वेश्चंस। And this definition is PUC board one mark question. दो नीट लेवल क्वेश्चन है और डेफिनेशन वन मार्क बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ठीक है? Now remember, अब स्टार्ट किसने किया? अलेक जेफरी ने। इंडिया में किसने स्टार्ट किया? लालजी सिंह। Now लालजी सिंह is world famous for DNA fingerprinting. बाहर के देश का सैंपल इंडिया को आता है DNA fingerprinting को, क्योंकि इंडिया इज प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो दिस इज फॉर द बेसिक अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, आई विल क्लेरिफाई द थिंग्स। Is there any problem or is there anything you want to understand? कुछ explain करना है इसमें से, कुछ doubts वगैरह है तो पूछ लीजिए, मैं clarify कर दूंगा। No doubts Uzma? No problem? So दो neat level question है। Alec Jeffrey is the one who started it. हर एक को फादर नहीं रहता, फादर यानी एंटायर वर्क होना चाहिए लाइक मेंडल, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज फादर ऑफ समथिंग। एक टेक्निक करने से कोई फादर नहीं बन जाता। डन, जाएंगे आगे? कुछ प्रॉब्लम है? जल्दी से कीप रिप्लाइंग मी, हाँ या ना, कुछ तो नो, ठीक है, चलो।
रिमेंबर व्हाट आई एम टीचिंग यू इज बेसिक, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्निक वेरी वेल, क्योंकि इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन. मैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, यू डोंट हैव टू राइट इट इन द एग्जाम, बट टू अंडरस्टैंड द टेक्निक यू शुड लर्न दिस बेसिक्स. बेसिक समझ में आया तो टेक्निक समझ में आता है. क्लेरिफाई. अच्छा, इस टेक्निक का एक डोंट राइट अंडरस्टैंड. समझो किसी ने मेरा मर्डर कर दिया है, Somebody killed me, मुझे किसी ने मार दिया है. ठीक है, अब जहां पर मेरी लाश पड़ी है, जहां पर मेरा मर्डर हुआ है, वहां पर ब्लड मिला है या फिर हेयर मिला है, ब्लड या हेयर कुछ मिला है जो मेरा नहीं है, इट्स नॉट माइन. यानी कि ये ब्लड किसका हुआ, द वन हु किल्ड मी. समझ में आया, मेरा ब्लड तो मिला ही है, मेरे ब्लड के साथ में किसी और का भी ब्लड मिला है. किसी और का मतलब क्या, जिसने मुझे मारा है उसी का होगा ना. तो ये मर्डरर यानी क्रिमिनल का ब्लड है. अब करेंगे क्या, क्रिमिनल के ब्लड में से डीएनए लेंगे, यू अंडरस्टैंड, आइसोलेट डीएनए, क्रिमिनल के ब्लड में से डीएनए लेंगे. तो ये डीएनए किसका हुआ, क्रिमिनल का. उस डीएनए से फ्रैगमेंट लेंगे, तो हमने फ्रैगमेंट लिया, ये किसका फ्रैगमेंट है, जिसने मेरा मर्डर किया है. अब मुझे 5 लोगों पर शक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे शक है आलिम के ऊपर, मुझे शक है सकीना के ऊपर, मुझे शक है ऐश्वर्या के ऊपर, मुझे शक है मसीरा के ऊपर, ठीक है, और किसी के ऊपर मुझे शक है. मुझे 5 लोगों पर शक है, इनमें से किसी ने मुझे मारा है. कंसेप्ट क्लियर है, एम आई Is it visible? Is it visible? Am I audible? अच्छा, कंसेप्ट समझ में आया, मेरा किसी ने मर्डर किया है, मर्डर की जगह पर मेरा भी ब्लड है और किसी और का भी ब्लड है, और वो और का ब्लड मतलब क्रिमिनल का. अब उस क्रिमिनल के ब्लड से हम क्या लेंगे, डीएनए, डीएनए से लेंगे फ्रैगमेंट. क्लेरिफाइड, यस. अब शक कितने लोगों पर है, डाउट कितने लोगों पर है, डाउट कितने लोगों पर है, 5 हमारे. अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, समझो आलिम के ऊपर डाउट है, तो आलिम से डीएनए लूंगा, डीएनए से फ्रैगमेंट लूंगा. नाउ आई विल कंपेयर दीज टू फ्रैगमेंट्स. तो ये डीएनए फ्रैगमेंट है क्रिमिनल का, ये है जिसके ऊपर शक है, डाउट है उसका. इन दोनों फ्रैगमेंट को कंपेयर करेंगे, सिमिलैरिटी और डिफरेंस पता करेंगे. अगर ये दोनों फ्रैगमेंट सेम है तो इसका मतलब ये दोनों पर्सन सेम है, यानी जिसने मर्डर किया है और जिसके ऊपर शक है, ये दोनों सेम है. अगर ये दोनों फ्रैगमेंट का सीक्वेंस अलग है
यानी कि ये दोनों पर्सन अलग है। समझ रहे हैं आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिक आइडिया कैसे काम करता है? व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? टेक्निक टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस ऑफ द डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल्स। तो इन दोनों का फ्रैगमेंट को कंपेयर करना है, अगर सेम है तो ये दोनों इंडिविजुअल सेम है यानी यही मर्डरर है, अगर ये दोनों अलग है तो ये मर्डरर क्रिमिनल नहीं है। बेसिक टेक्निक समझ में आई? डिड यू अंडरस्टूड द बेसिक टेक्निक? इसको हम डिटेल में जाएंगे, ये बेसिक आइडिया है, ठीक है ना? समझो, आरएनए आलिम का फ्रैगमेंट और जो क्रिमिनल का फ्रैगमेंट है वो दोनों अलग है, तो आलिम इज नॉट द क्रिमिनल। फिर दूसरे का फ्रैगमेंट लेना है, सकीना का लेना है, डीएनए लेना है, फ्रैगमेंट लेना है, कंपेयर करना है। अगर सकीना नहीं है तो ऐश्वर्या का लेना है, डीएनए लो, फ्रैगमेंट लो, कंपेयर करो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है? इसको डिटेल में जाएंगे, ये बहुत इजी दिख रहा है बट उतना इजी नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस, ठीक है, ये है बेसिक आइडिया, ठीक है? लेट्स सी, अब आते हैं बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, व्हाट इज द बेस? वन सेकेंड, हाँ, होप इट्स विजिबल एंड इट्स क्लियर। नाउ व्हाट इज द बेस? अब हमें मालूम है आउट ऑफ 100% ऑफ डीएनए ओनली 2% ऑफ डीएनए इज फंक्शनल, 98% ऑफ द डीएनए इज जंक डीएनए। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, am I right? अब मैं बात कर रहा हूं ये जंक डीएनए की, रिमेंबर दिस। सो डीएनए कैरीज सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। क्योंकि 2% डीएनए इज फंक्शनल, 98% ऑफ द डीएनए इज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड रिपीटेटिव, कॉल्ड रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो सिंपल सी बात है, 98% ऑफ द डीएनए इज नॉन कोडिंग और उस नॉन कोडिंग में कुछ जगह पर सीक्वेंस रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेटिव सीक्वेंस एंड इज कॉल्ड एज वीएनटीआर्स। उस रिपीटेटिव सीक्वेंस का नाम क्या है? वीएनटीआर्स। इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। सेंटेंस समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी से। कुछ प्रॉब्लम है समझने में? आउट ऑफ 100% ऑफ डीएनए 2% निकाल दो बिकॉज इट इज फंक्शनल, एम आई राइट? नो, फंक्शनल है। अब बचा 98% जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, उस नॉन कोडिंग सीक्वेंस में कौन है? रिपीटेटिव सीक्वेंस है एंड दिस रिपीटेटिव सीक्वेंस इज कॉल्ड एज वीएनटीआर और वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। क्लियर? अच्छा, अब ये जो वीएनटीआर है
these VNTRs unique to each person. These are unique to each person. यानी मेरा VNTR यूनिक है, मतलब मेरा जैसा VNTR आपका नहीं है, किसी का भी नहीं है. So my VNTR is unique to me. याद रखना. So it is unique to each person. Hence, VNTR represents identity, remember, of organism. तो आपका ये आपके बॉडी में भी रिपीटेटिव सब नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, आपके डीएनए में भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जिसे हम बोलेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस. और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम और एक नाम से बुलाते हैं, VNTRs, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट. और आपका VNTR आपके लिए यूनिक है, यानी आपके जैसा VNTR किसी और के पास नहीं है. दिस इज वॉट द बेसिक सेंटेंसेस. कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछिए. कुछ डाउट्स है? यस, ट्विंस में नहीं, आइडेंटिकल ट्विंस में सेम होता है. बस मैं पढ़ाता हूं आगे अभी आपको. क्लियर? डन. अब देखो, गोइंग टू रब इट, और कुछ बेसिक मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं. द साइज ऑफ द VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 KB टू 60 KB, 20 KB. Size of VNTR varies from 0.1 kb to 2 kb. kb का मतलब किलो बेस पेयर, किलो बेस पेयर. एक किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम. तो 1000 बेसिस इज इक्वल टू 1 kb. So 1 kb is equal to 1000 bases. So 0.1 kb to 2 kb, यानी 2000 base pairs. तो इतना लंबा हो सकता है, ठीक है. Then next one, अब करना क्या है, देखो कैसे कर सकते हैं. अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा इसको. Now see, this is chromosome is nothing but DNA. So this is chromosome nothing but DNA. DNA 100% hai. Out of 100% of DNA, 2% is functional, 98% is non-functional or non-coding DNA. Starting का definition देखो, मालूम पड़ेगा 98% is non-coding DNA. अबे non-coding DNA में repetitive sequence है, non-coding DNA consists repetitive sequence, and this repetitive sequence is also known as VNTRs. This VNTRs, यही VNTRs आप use करने जा रहे हो DNA fingerprinting में. VNTRs are nothing but piece of DNA, fragment of DNA which is used in DNA finger printing. Concept I hope clear है. अगर कुछ doubts है तो please पूछिए.
होप कंसेप्ट क्लियर है. अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछिए. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान देना हम क्या करें. अब देखो ये है मेरा डीएनए दैट इज 100% और आई कैन कॉल इट एज बल्क डीएनए. ये मेरा 100% ऑफ डीएनए है और बल्क डीएनए. फ्रॉम दिस बल्क डीएनए यानी 100% ऑफ डीएनए फर्स्ट यू नीड टू सेपरेट रिपीटेटेड सीक्वेंस. तो पहले फ्रॉम दिस डीएनए रिपीटेटिव डीएनए एंड बल्क डीएनए. सो फ्रॉम द बल्क डीएनए यू नीड टू सेपरेट रिपीटेटिव डीएनए. रिमेंबर जो आपने रिपीटेटिव डीएनए बल्क डीएनए से सेपरेट किया इट फॉर्म्स वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन. और जो बचा कुचा डीएनए है इट इज लार्ज प्रोपोर्शन में मिलेगा आपको. और ये जो स्मॉल प्रोपोर्शन में डीएनए मिला विच हैज अ रिपीटेटिव सीक्वेंस इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए. इसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे. कुछ डाउट है समझने में तो आप मुझे पूछो. तो बल्क डीएनए 100% डीएनए से आपने क्या किया? रिपीटेटिव डीएनए को अलग किया है ना. ये जो रिपीटेटिव डीएनए जो अलग किया आपने ये बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिला है और इसको हम बुलाते हैं सैटेलाइट डीएनए. वो बाकी जो है उसको छोड़ दो. सैटेलाइट डीएनए इज नॉट स्मॉल इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट. कंसेप्ट को समझो वरना कंसेप्ट बेसिक नहीं समझ में आया तो कंसेप्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपका. याद रखना तो हमने सिंपल सी बात की है. डीएनए में से हमने रिपीटेटिव डीएनए को अलग किया और ये रिपीटेटिव डीएनए जो हमने अलग किया है वो बहुत कम उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं. बताओ और कुछ प्रॉब्लम है? इज देयर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड? यार रिप्लाई मी प्लीज. इट्स सो हॉट यू नॉट रेडी टू रिप्लाई. नो नो प्रॉब्लम. तो अब हमें मिला है सैटेलाइट डीएनए हमारा एक तो कुछ तो रिप्लाई करो. मैंने से यू जस्ट से यस नो कुछ भी. अब देखो अब हमें मिला है सैटेलाइट डीएनए. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अब हमें मिला सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए का और एक मतलब क्या? रिपीटेटिव डीएनए विच हैज रिपीटेटिव सीक्वेंस. DNA having repetitive sequence. Am I right? उसी को हम satellite DNA. अब ये satellite DNA ये दो तरह का है. It is divided into two types. Satellite DNA is divided into two types.
वन इज कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट, अनदर वन इज कॉल्ड एज रिमेंबर माइक्रो सैटेलाइट। अब सैटेलाइट में दो तरह का है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। नाउ मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, रिमेंबर दीज आर नथिंग बट, याद रखना वी एन टी आर, वी एन टी आर इज नथिंग बट सैटेलाइट डीएनए। नाउ ये जो मिनी सैटेलाइट है इसका लेंथ इज 11 बेस पेयर टू 60 बेस पेयर, 11 से 60 है रिमेंबर। और ये जो है दैट इज माइक्रो, दिस इज फ्रॉम लेंथ 1 बेस पेयर टू 6 बेस पेयर है। तो माइक्रो और मिनी में डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस कुछ नहीं, ये बस लेंथ का डिफरेंस है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज है तो मैं सॉल्व कर देता हूं अभी। लुक एट दिस साइड, हमने क्या पढ़ा इसके पहले? रिपीटेड सीक्वेंस, एक वर्ड पढ़ा, रिपीटेड सीक्वेंस इज इक्वल टू वी एन टी आर, करेक्ट है? दिस वी एन टी आर इज नथिंग बट सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इज नथिंग बट वी एन टी आर। अब वी सैटेलाइट में दो है, मिनी माइक्रो, तो आई कैन से मिनी वी एन टी आर, माइक्रो वी एन टी आर, मीनिंग एक ही है। तो इन सब का मीनिंग बस एक ही है, बस साइज के ऊपर हमने इसको अलग किया है। रिपीटेड सीक्वेंस इज नथिंग बट वी एन टी आर, वी एन टी आर इज नथिंग बट सैटेलाइट, सैटेलाइट इज टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, मिनी एंड माइक्रो, मिनी वी एन टी आर, मिनी सैटेलाइट, मीनिंग इज सेम, माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो वी एन टी आर, मीनिंग इज सेम। क्लियरिफाइड? एम आई क्लियर? यस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट को, दैट इज मिनी सैटेलाइट। अब मिनी सैटेलाइट लेंथ क्या है? 11 टू 60 बेस पेयर्स। अब ये जो मिनी सैटेलाइट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये वी मिनी डीएनटीआर या मिनी सैटेलाइट है, ये क्रोमोसोम में कहां मिलेगा? इट इज फाउंड इन सेंट्रोमियर रीजन, सेंट्रोमियर रीजन और एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ऑफ क्रोमोसोम, इलेवन स्टैंडर्ड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, लेट मी ड्रॉ इट हियर। This is chromosome. These are called as chromatids or arms.
दिस इज सेंट्रोमियर और यहां जो गांठ के जैसा जो दिख रहा है ना दिस पोर्शन दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. तो आपको ये सैटेलाइट जो है सैटेलाइट मतलब रिपीटेड सीक्वेंस डीएनए डीएनए विच हैज रिपीटेटिव सीक्वेंस ये कहां मिलेगा सेंट्रोमियर के पास यहां पर मिलेगा दिस रीजन और यहां पर मिलेगा. इट इज फाउंड एट सेंट्रोमियर रीजन और एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी यहां पर. एक बार पढ़ लीजिए अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछ लीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. यार बोला था ना आलिम मिनी और माइक्रो दोनों का साइज लिखा था मैं. एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम मसीरा क्लियर है ठीक है. अब देखो ये जो मिनी सैटेलाइट है हमें मिला है ये जो मिनी सैटेलाइट है दिस मिनी सैटेलाइट कंसिस्ट रिपीटेड सीक्वेंस. इस मिनी सैटेलाइट में रिपीटेड सीक्वेंस है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वेरी पर्सन टू पर्सन. अच्छा सिंपल एक आइडिया समझते हैं. आपका भी क्रोमोसोम लेते हैं मेरा भी क्रोमोसोम लेते हैं. आपके क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के आसपास या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में आपको सैटेलाइट डीएनए मिलेगा. सैटेलाइट डीएनए का मतलब डीएनए विच हैज रिपीटेड सीक्वेंस करेक्ट है ना. दिस रिपीटेड सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज वीएनटीआर. अब आपका जो वीएनटीआर है आपका जो सैटेलाइट डीएनए है आपका जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये यूनिक है आपके लिए विच इज यूनिक फॉर यू. और मेरा जो सेंट्रोमियर के पास रिपीटेटिव सीक्वेंस डीएनए है या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास रिपीटेटिव सीक्वेंस है इट इज यूनिक फॉर मी. तो मेरे जैसा सीक्वेंस आपका नहीं है आपके जैसा सैटेलाइट रिपीटेड सीक्वेंस मेरा नहीं है. दैट्स व्हाई आई राइट रोट हियर मिनी सैटेलाइट कंसिस्ट रिपीटेड सीक्वेंस विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और यूनिक टू ईच पर्सन और यूनिक टू ईच पर्सन. एम आई क्लियर टू ऑल Yeah, I hope tomorrow chapter ends. Big chapter about to end. Done? ठीक है. अब थोड़ा सा बेसिक और. Now we understood satellite DNA consists of repeated sequence and this repeated sequence
रिमेंबर ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है इट इज रिपीटेड रिमेंबर 2 to 200 टाइम्स इज रिपीटेड 2 to 200 टाइम्स 200 बार रिपीट हो सकता है एक इंसान में रिमेंबर एंड इन वन पर्सन